Hello students of class 5th. Today I am going to teach you EVS, Environmental Studies. This is your EVS book, Green Pathway. I will start with chapter 1. Open chapter 1. Chapter 1 is your Shifting Homes. Page number 7. Shifting Homes. What do you understand by shifting homes? Shifting homes में हम ये कह सकते हैं या तो हम अपना घर बदलते हैं, घर बदलने को हम shifting homes कहते हैं, means एक घर से हम दूसरे घर रहने के लिए अगर हम जाते हैं या अपना घर छोड़कर किसी दूसरे सिटी या दूसरी कंट्री में जाते हैं दूसरे घर में रहने, तो हम उसको shifting homes कह सकते हैं. Coming to the chapter, there are many people who keep moving from one place to another. This type of movement is known as migration. People move from one place to another not only if they have transferable jobs. There are many other reasons for migration. Some people move to their own homes, some to a better neighborhood, and some for less expensive home. बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक इधर से उधर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं. इन लोगों को दिस टाइप ऑफ मूवमेंट या इस तरह की मूवमेंट को हम माइग्रेशन कहते हैं, मीन्स शिफ्टिंग प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं. पीपल मूव फ्रॉम पीपल एक जगह से, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनकी जॉब्स ट्रांसफरेबल है, मीन्स उनकी उन पर ट्रांसफ़र होते रह रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं माइग्रेशन के. यानी एक जगह से दूसरी जगह ज़रूरी नहीं है कि जब वो ट्रांसफ़र करें तो ही जाए, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. जैसे कि कुछ लोग अपने खुद के घरों में शिफ्ट होते हैं, कुछ अच्छे नेबरहुड की वजह से, यानी आस पड़ोस के लोग अच्छे हो इस वजह से शिफ्ट होते हैं, और कुछ शिफ्ट होते हैं कि उनको कम खर्च में यानी कम किराए पर घर मिल जाए या वो घर सस्ता हो. पीपल हु लीव देयर ओन कंट्री और रीजन टू सेटल इन अनदर कंट्री और आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स. पीपल, अब वो लोग जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर सेटल होते हैं उनको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं. दोज हु कम इनटू अ कंट्री ऑफ विच दे आर नॉट अ नेटिव यूजुअली फॉर परमानेंट रेसिडेंस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स. दोज हु कम इनटू अ कंट्री, वो लोग जो देश में आते हैं जो उस देश के नहीं होते हैं लेकिन उनको वहाँ पर मीन्स उस देश में उनको अपना परमानेंट घर चाहिए होता है, ऐसे लोगों को हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं. नाउ डिस्प्लेसमेंट, समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर ओन कंट्री, सच पीपल आर कॉल्ड रेफ्यूजीज. देयर आर सम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स और एक्सट्रीम पॉवर्टी विच मेक many people homeless. Such people move to new places to find shelters. This is called displacement. Displacement हम किसको कहते हैं? Sometimes कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को अपना खुद का देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और ऐसे लोगों को हम refugees बोलते हैं. और ये ऐसा होता है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि natural disasters जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन, या फिर एक्सट्रीम पावर्टी यानी बहुत ज़्यादा गरीबी जो है, ये भी लोगों को होमलेस बना देती है यानी बेघर कर देती है. और फिर ये लोग नई जगहों पर जाकर अपना आसरा ढूंढते हैं यानी शेल्टर ढूंढते हैं. और इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मीन्स अपनी प्लेस से हट जाना यानी डिस्प्लेस हो जाना, डिस्प्लेसमेंट. हाउ डू डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट पीपल, डिस्प्लेसमेंट लोगों पर अफेक्ट कैसे करता है?
लोगों पर कैसे पड़ता है। इन 1947 इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू कंट्रीज। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त इंडिया दो कंट्रीज में बट गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू सेटल इन इंडिया। सिमिलरली पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान में बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए। जब डिवीज़न हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया आकर सेटल हो गए, और उसी तरह से बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान जाकर सेटल हो गए। दीज माइग्रेंट्स लेफ्ट दियर एंसेस्ट्रल होम्स एंड बिजनेसेस। दे गॉट सम हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज। स्टिल दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड टू सेट अप अ होम एंड अर्न दियर लिविंग। फिर इन लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर, अपना बिजनेस छोड़कर जाना पड़ा। फिर इन्हें कुछ हेल्प गवर्नमेंट से मिली अपने उसी कंट्री में, लेकिन फिर भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हार्डवर्क करना पड़ा ताकि ये अपना फिर से घर बना सके और रहने के लिए कुछ कमा सके। फैमिली रिलेशनशिप्स। अ फैमिली ट्री इज अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। यहाँ पर एक फैमिली ट्री बना हुआ है और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किससे क्या रिलेशनशिप है। ये मिस्टर शर्मा है, ये लेट मिसेस शर्मा है। उनके तीन बच्चे हैं, राहुल, रोहन और एक बेटी है शालिनी। ओके, राहुल की शादी रिया से हुई, रोहन की शादी सीमा से, और शालिनी की शादी इन्होंने प्रताप से किया। राहुल और रिया का बेटा नीतीश, रोहन और सीमा का बेटा सम्राट, शालिनी और प्रताप की बेटी है नुपुर। ये पिक्चर रॉन्ग है, दिस विल ये नुपुर है यहाँ पर और ये समीर है। ओके, नीतीश की शादी अंजू से हुई और नुपुर की शादी समीर से। अब नीतीश और अंजू का बेटी रिमी है, और नुपुर और समीर के बच्चे हैं रितिका और वरुण। ये है आपका फर्स्ट जनरेशन, यानी हम अगर अपनी फैमिली से भी कंपेयर करें तो फर्स्ट जनरेशन यानी हमारे दादा दादी। फिर सेकंड जनरेशन में आते हैं हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, और उसके बाद थर्ड जनरेशन आता है उनके बच्चे। ओके, द ओल्डेस्ट मेंबर इज 95 इयर्स ओल्ड मिस्टर शर्मा। ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ अ मेडिकल कॉलेज। हिज वाइफ मिसेस शर्मा इज नो मोर। द यंगेस्ट मेंबर इज रिमी, शी इज 5 इयर्स ओल्ड। द ओल्डेस्ट मेंबर इज 95 इयर्स ओल्ड। इसमें मिस्टर शर्मा 95 इयर्स ओल्ड है, वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी वाइफ मिसेस शर्मा अब नहीं रही, और इसमें सबसे छोटा मेंबर, यंगेस्ट यानी सबसे छोटे मेंबर है रिमी, जो कि 5 साल की है। मिस्टर शर्मा इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली। मिस्टर शर्मा फैमिली के पहले जनरेशन हैं। ही हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर। दे रिप्रेजेंट सेकेंड जनरेशन। मिस्टर शर्मा के 2 बेटे और 1 बेटी है। दे रिप्रेजेंट सेकेंड जनरेशन, और ये सेकेंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मिस्टर शर्माज ग्रैंड चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस रिप्रेजेंट द थर्ड जनरेशन ऑफ द फैमिली। मिस्टर शर्मा ग्रैंड चिल्ड्रन यानी मिस्टर शर्मा के पोते पोतियाँ और उनके स्पाउसेस यानी कि वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्ड जनरेशन उस फैमिली की। रिमी, रितिका एंड वरुण आर मिस्टर शर्माज ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। और रिमी रितिका एंड वरुण ये मिस्टर शर्मा के पर पोते।
किया है, मीन्स ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन. मेंबर्स ऑफ मिस्टर शर्मास फैमिली लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. हिज एल्डेस्ट सन माइग्रेटेड टू मुंबई अ लॉन्ग टाइम अगो वेयर ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हिज वाइफ इज ऑल्सो अ डॉक्टर इन द सेम हॉस्पिटल. द अदर सन लिव्स इन हैदराबाद विद हिज फैमिली. मिस्टर शर्मास डॉटर एंड हर हस्बैंड हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स. दे हैव लिव्ड इन मैनी प्लेसेस एंड आर इन दिल्ली एट द मोमेंट. मेंबर्स ऑफ मिस्टर शर्मास फैमिली. मिस्टर शर्मा की फैमिली के मेंबर अलग अलग जगहों पर रहते हैं. उनका बड़ा बेटा मुंबई में रहता है बहुत टाइम से, जहाँ पर वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है. उसकी वाइफ भी डॉक्टर है उसी हॉस्पिटल में. उनका दूसरा बेटा हैदराबाद में रहता है अपनी फैमिली के साथ. मिस्टर शर्मा की बेटी और उनके हस्बैंड, इनकी ट्रांसफरेबल जॉब है यानी ट्रांसफर होते रहते हैं. तो ये लोग बहुत सी जगहों पर गए हैं और इस टाइम में अभी वो दिल्ली में हैं.